सबसे पहले ये बात पता कर लेते हैं कि आपको नेपाल जाने के लिए पासपोर्ट लगेगा कि नहीं। इसका सही जवाब तो ये है कि अगर आप फ्लाइट पकड़ के जा रहे हो तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट की गिनती में आ जाती है, तो ये अच्छा होगा कि आप अगर पासपोर्ट लेके जाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड होता है। वैसे तो आप आधार कार्ड से भी जा सकते हैं नेपाल, लैंड बॉर्डर ट्रेन वगैरह में आपको जाने के लिए कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नेपाल एक बेहद ही खूबसूरत देश है और हमारा उत्तरी पड़ोसी भी है। ये हिमालय पर्वत का घर है, पशुपतिनाथ जी के मंदिर का घर है। ये एक ऐसा ही एकमात्र देश है जो अपने आप को पृथ्वी पर एकमात्र हिंदू देश मानता है। ये अपनी संस्कृति, अच्छे लोग और बहुत ही सुंदर वातावरण के लिए दुनिया भर में फेमस है। यहाँ पे आप चाहे हनीमून के लिए जाए या अपनी फैमिली वेकेशन के लिए जाए, नेपाल में आपको हर चीज़ अपने प्राइस या बजट में इंडियन लोगों के लिए फिट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ढेर सारी जानकारी देने वाला हूँ यदि आपको 5 या 6 दिन का नेपाल का ट्रिप प्लान करना हो, जैसे कि आपको कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, वहाँ पे रहने का क्या बंदोबस्त है, खाने पीने का क्या बंदोबस्त है और बहुत सारी जानकारियाँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपकी नेपाल ट्रिप को प्लान करने में बहुत आपको मदद करने वाला है। तो और देरी नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। चलो लेट्स गो। तो अभी जानते हैं कि आपको नेपाल जाने का बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर क्या आता है। इसको तो मैं सिर्फ 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, एक जिनको ठंडी एक्सपीरियंस करनी है और दूसरे जिनको गर्मी से एस्केप करना है। तो अगर आप इंडिया के कोई भी पार्ट से जाते हैं और गर्मी आपको एस्केप करना है तो बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर आपके लिए रहेगा मार्च से लेके जून या जुलाई तक। काफ़ी अच्छा टेम्परेचर रहता है, 16 से 24 डिग्री के बीच में वेरी होता है। और अगर कोई गर्म पार्ट में आप रहते हो और आपको विंटर एक्सपीरियंस करना है तो मैं आपको कहूँगा एनीवेयर फ्रॉम आप अक्टूबर एंड से लेके फरवरी एंड तक वहाँ पर जाइए, तो आपको बहुत ही अच्छा ठंड एक्सपीरियंस करने मिलेगा। दिन का टेम्परेचर रहता है कुछ 8 डिग्री से लेके 16 डिग्री के बीच में। अभी जानते हैं कि आपको नेपाल पहुंचने के लिए कितने ऑप्शंस हैं। तो सबसे कन्वीनियंट तरीका, अगर आप नॉर्थ इंडिया से रहते हो तो ड्राइव करके जाना या बस लेके जाना होगा। नेपाल और इंडिया 6 बॉर्डर क्रॉसिंग शेयर करते हैं और उसमें सबसे पॉपुलर वाला सनोली का है, जो दिल्ली या उत्तर प्रदेश या बिहार के आसपास से भी आप एक्सेस कर सकते हो। वेस्ट बंगाल या नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हो तो आप ड्राइव करके काफ़ी आसानी से नेपाल पहुँच सकते हो या बस भी लेके जा सकते हो, जिसका टिकट फेयर आपको 500, 800, 1200 रुपये तक डिपेंडिंग ऑन कौन सी बस लेते हो वेरी होता है। दूसरा फास्टेस्ट और बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से, अगर आप कोई भी दूसरे पार्ट से आ रहे हैं इंडिया का, इज टू कैच अ फ्लाइट टू नेपाल। नेपाल जाने के लिए इंडिया के सारे मेजर सिटीज से काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे आपको फ्लाइट मिल जाती है। मुंबई से अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो बेरली 2.5 घंटे का फ्लाइट है और आप काफ़ी आसानी से काठमांडू में पहुँच जाते हो, जो वहाँ का मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फ्लाइट फेयर एनीवेयर बिटवीन 7 से 8 हज़ार मुंबई से वेरी होती है। नॉर्थ से जाओगे तो और भी कम हो जाता है, कभी कभी आपको 4-5 हज़ार के अंदर में भी मिल जाता है। अब साउथ इंडिया से जाओगे तो समझ लीजिए आपको 10-11 हज़ार रुपया वन वे का टिकट पड़ सकता है, बट ऑल डिपेंड्स ऑन आप कैसी बुकिंग करते हो और कितनी जल्दी बुकिंग करते हो। लास्ट एक ऑप्शन जो रिसेंटली हमारे यहाँ पे ओपन हुआ है वो है एक ट्रेन सर्विस भी जाती है नेपाल के लिए, पर ये डायरेक्ट आपको काठमांडू तक नहीं छोड़ती है। ये ट्रेन जयानगर से चालू होती है इंडिया में और जनकपुर जाती है नेपाल में, और वहाँ से आपको काठमांडू पहुँचना है तो 6 घंटे की ड्राइव है। ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है बहुत, अगर आप एडवेंचरस हो तो मैं आपको एडवाइस करूँगा ये रूट लेने के लिए। अभी आप नेपाल पहुंच तो गए, तो अगर आपको रहने का बंदोबस्त क्या है जानना है तो मैं अभी बता देता हूं आपको। वैसे नेपाल एक बहुत ही टूरिज्म फ्रेंडली कंट्री है, इनकी मेजर इकोनॉमी टूरिज्म पे चलती है, तो आपको बहुत ही अच्छे साफ सुथरे होटल रूम्स बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट में मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो आप कोई हॉस्टल ढूंढ सकते हो, वहाँ पर आपको एनीवेयर बिटवीन 350 से 450 के बीच में बहुत ही बढ़िया साफ सुथरा रूम मिल जाता है। ये अकेले अगर ट्रैवल करो तो बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ या इन अ ग्रुप ऑफ 2 जा रहे हो तो आपको बहुत बढ़िया होटल रूम्स मिल जाते हैं, जो 700-800 रुपए के रेंज से शुरू हो जाते हैं और बहुत ही साफ सुथरे और बढ़िया रहते हैं। थोड़ी हायर एंड अगर आप लग्जरी कैटेगरी में जा रहे हो तो आपको एनीवेयर बिटवीन 1800 से 2200-2500 इंडियन रुपीस में बहुत ही अच्छे साफ सुथरे ब्रिलियंट प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं, जिनके लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा भी देता हूँ। सो रहने के मैटर में नेपाल बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा।
नेक्स्ट अभी जानते हैं कि आपको अगर नेपाल में घूमना फिरना है या डेली का खर्चा है उसका क्या आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। वैसे तो नेपाल में आपको बाइक रेंट मिल जाती है पर मुझे थोड़ी महंगी लगी जब मैंने पता किया था अपने एक वीडियो के लिए जिसका आप ऊपर आई बटन दबा के लिंक पे देख सकते हो। मुझे कहा गया था कि हमें इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस करा के लेके जानी पड़ती है और बाइक केवल 12 घंटे के लिए मिलती है और उसका डिपॉजिट 3,000 रुपये तक जाता है और दिन का भाड़ा 800 से 1,500 रुपये के बीच में है। ये थोड़ा महंगा मुझे लगा, इसके लिए मैंने वो ऑप्शन लिया नहीं। बट वैसे इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको नेपाल के अंदर बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। आप पथाओ या इनड्राइव जो वहाँ की लोकल ऐप है उससे आप टैक्सीज बुक कर सकते हो, बाइक टैक्सीज बुक कर सकते हो जो आपको 60 रुपीज से ऑनवर्ड शुरू हो जाती है और बड़ी टैक्सी लोगे तो आपको 150-200 रुपये में एक मेजर टूरिस्ट सेंटर्स में छोड़ देती है। आपको साथ साथ में नेपाल का डेली बजट भी समझा देता हूँ। नेपाल में वैसे तो आपको कोई चीज़ ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी, मोर ऑर लेस इंडिया से आप समझो कि 20% थोड़ा सस्ता हो जाता है। तो आपको स्टे, घूमना फिरना, खाना पीना ये सब पकड़ोगे तो मेरे ख्याल से आपको दिन का 1,000 रुपया तो आराम से चला जाएगा जिसमें आप बहुत ही अच्छी तरह से आपकी ट्रिप काट सकते हो। ये वेरी होता है पर्सन टू पर्सन पर मैंने अपने सिंगल पर्सन बैकपैकिंग बजट के हिसाब से आपको बताया है। इससे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 1,500 रुपीज़ अगर आप अच्छी वाली होटल भी बुक करते हो और बढ़िया जगह पे खाते पीते हो, ट्रैवल कर रहे हो 4 लोगों के ग्रुप में, तो आपका दिन का 1,200 से 1,500 रुपया भी एक्सीड नहीं होगा। अभी मैं आपको काठमांडू का एक छोटा सा टूर गाइड या प्लानिंग में मदद कर देता हूँ। देखिए काठमांडू वैसे तो वहाँ की बहुत ही बिजी सिटी है बट वहाँ पे आपको देखने करने के लिए छोटी बड़ी चीज़ें काफ़ी है। मेरे हिसाब से 2 से 2.5 दिन आपको काठमांडू में काटने के लिए काफ़ी आसान पड़ जाएगा और ज़्यादा कोई आपको मतलब खर्चे भी नहीं पड़ेंगे। ये सारे जो जगह है इसमें मोर ऑर लेस आपको 50 रुपये के 100 रुपये के अंदर ही एंट्री चार्जेस होगी तो आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। तो आप डे 1 की शुरुआत कर सकते हैं। जब आप काठमांडू में आओगे तो आप पशुपतिनाथ जी के मंदिर के दर्शन करने जा सकते हो। ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है और बहुत इंपॉर्टेंट शिव जी का मंदिर है और दुनिया भर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ का कुछ बात ही अलग है और आप जब वहाँ पे जाएंगे आपको एक अलग ही टाइप की एनर्जी फील होगी। पशुपतिनाथ जी के मंदिर को ख़त्म करने के बाद आप स्वयंभू मंकी टेंपल पे भी जा सकते हैं जो एक बुद्धिस्ट टेंपल है। यहाँ पे जाने के लिए आपको थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है बट ये एक बहुत ही बढ़िया जगह है। वहाँ से आपको काठमांडू शहर का 360 डिग्री व्यू भी मिल जाता है। बहुत ही बढ़िया जगह है और जगह जगह आपको बंदर भी भागते हुए दिखाई देंगे तो ये एक अलग सा ही यूनिक एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप लंच कर सकते हैं लोकली किधर और शाम को आप थामेल और थामेल का आजू बाजू का एरिया और साथ में जो काठमांडू दरबार स्क्वायर है जो राजा का मेन एरिया था काठमांडू सिटी में वो एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे आप काफ़ी टाइम स्पेंड कर पाओगे, आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। वहाँ पे आपको राजाओं के पुराने पैलेसेस और जो स्क्वायर उन्होंने डिज़ाइन किया है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख पाओगे। उसके साथ में एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो आप वहाँ पे देख सकते हैं वो है कुमारी घर, जहाँ पे दुर्गा माता का लिविंग अवतार जो माना जाता है नेपाल में रहते हैं वो मंदिर के अंदर। वो एक देखने लायक चीज़ है तो आप जब काठमांडू दरबार स्क्वायर में जाओगे तो वो देखने भूलिए मत। डे 1 आप चाहिए तो थामेल में वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करने के बाद में ख़त्म कर सकते हो। A2 की शुरुआत आपको थोड़ी जल्दी सुबह करनी पड़ेगी क्योंकि जो जगह पे आपको मैं जाने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ वो जगह एक बहुत ही पॉपुलर जगह है और वहाँ से आपको हिमालय के पर्वत आप बहुत ही पास से देख सकते हो। नेपाल में काठमांडू शहर में आपको चंद्रगिरी हिल का एक केबल कार राइड है जो बहुत ही यूनिक है इस सिटी के लिए। केबल कार बहुत बढ़िया है, राउंड अबाउट आपको 600-700 रुपये की टिकट पड़ती है राउंड ट्रिप और एक अमेजिंग राइड है ये क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे पहाड़ पे तो वहाँ पे आपको एक मंदिर तो दिखेगा ही दिखेगा जो बहुत पुराना है पर आपको वहाँ से अन्नपूर्णा और हिमालय के पर्वत बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिखाई देंगे। यहाँ पे मैं आपको सुबह जल्दी जाने इसके लिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि सनराइज़ के टाइम पे व्यू खास करके ज़्यादा ही ब्यूटीफुल रहता है और स्काइज भी काफ़ी क्लियर रहते हैं तो आप वहाँ के जो व्यूइंग गैलरी है वहाँ से टेलीस्कोप से भी आप बहुत ही ब्यूटीफुल हिमालय पर्वत का व्यू देख सकते हैं और जो केबल कार राइड है वो अपने आप में ही एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस भी है। सुबह सुबह वहाँ पे आप नाश्ता ख़त्म करने के बाद में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको टिबेटियन आर्ट और कल्चर देखना है तो बैद्यनाथ सुपा ज़रूर जाइए। ये भी काठमांडू शहर में आता है तो आपको एक टैक्सी पकड़ के जानी पड़ेगी और वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट टेम्पल्स दिखाई देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन बुद्धिस्ट, नेपाली बुद्धिस्ट और टिबेटियन बुद्धिस्टों के लिए।
और उसके साथ साथ उस एरिया में आप बहुत सारे लोकल टिबेटन क्यूजीन भी ट्राई कर सकते हैं जो बहुत अमेजिंग है। मैंने इनके सारे वीडियोस बनाए, आप ऊपर आई बटन दबा के इसके फुल फॉर्मेट वीडियोस भी देख सकते हो। वो सारा चीज़ ख़त्म करने के बाद अगर आपको ब्रेक लेना है तो बढ़िया है, नहीं तो आप पाटन दरबार स्क्वायर भी एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ से निकल सकते हैं। पाटन दरबार स्क्वायर वन ऑफ दी मोस्ट ओल्डेस्ट दरबार स्क्वायर है और बहुत ही बढ़िया और वेल मेंटेन्ड है। वहाँ पे जब आप जाओगे तो कृष्ण भगवान का एक बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पे जाके आपको माथा टेक के दर्शन लेने भूलिए मत। और आजू बाजू में एक्सप्लोर करने के बाद में वहाँ पे नेपाल के जो लोकल लोगों का नेवारी क्यूजीन बोला जाता है वो ज़रूर जाके एक्सप्लोर कीजिए और टेस्ट कीजिए। इसका एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें पूरा लोकेशन और डिस्क्रिप्शन और क्या क्या मैंने खाया वो सारी चीज़ें उस वीडियो में कवर्ड है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका नेपाल का काठमांडू का सेकेंड डे भी ख़त्म हो जाता है। तीसरे दिन के लिए मैं आपको कहूँगा, क्योंकि आपको पोखरा जाना है तो आपको दिन थोड़ी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी। आपको बस पकड़ के पोखरा जाना सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन और सेफेस्ट ऑप्शन है। आपको 1100 रुपये में लग्जरी बस की टिकट मिल जाती है जो सुबहरे 7:30-8 बजे शुरू होती है और शाम को लगभग 4-5 बजे आपको वहाँ पर पोखरा पहुँचा देती है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसका पूरा वीडियो मैंने बनाया, आई बटन दबा के आप देख सकते हो। इसके अलावा फ्लाइंग भी एक ऑप्शन है जो 25 मिनट लगाता है, बट नेपाल में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे फ्लाइट क्रैश हुई थी, तो मैं ये आपको थोड़ा सजेस्ट नहीं करूँगा। 2500 रुपये फ्लाइट की टिकट है, बट फ्लाइट ज़्यादा सेफ नहीं है, क्योंकि मैंने भी रिटर्न आते वक्त ये जब फ्लाइट लिया था फ्लाइट बहुत डिले हुई थी और मुझे कुछ खास सेफ नहीं लगा, तो मैं इसके लिए लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा। पोखरा आप बाय रोड ही जाइए, लग्जरी बस पकड़ के जाइए, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और वो बहुत ही बढ़िया जर्नी भी है, सेफ भी है। पोखरा को एक्सप्लोर करने के लिए भी आपको 2 दिन काफ़ी है। वहाँ पे जाओगे तो क्योंकि एक हिल स्टेशन सिटी जैसी है, लेक के पास है, तो आपको रिलैक्सेशन करने के लिए ढेर सारे ऑप्शंस है। बढ़िया होटल्स, बढ़िया हॉस्टल्स, बढ़िया रेस्टोरेंट्स, सब कुछ अवेलेबल है, क्योंकि ये एक बहुत ही हैवीली टूरिस्ट इन्फ्लुएंस्ड एरिया है। तो आपको पोखरा में जब भी शुरू करना है डे का ट्रिप, तो आपको सबसे पहले तो मैं कहूँगा वहाँ का सबसे फेमस लैंडमार्क पॉइंट जो है फेवा लेक एक्सप्लोर कीजिए। फेवा लेक एक बहुत ही बड़ा लेक है वहाँ पे और बहुत सुंदर है, और वहाँ पे बहुत बढ़िया सा उन्होंने एक एरिया भी डेवलप किया है जहाँ पे आपको लेक साइड पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ है करने के लिए। लेक साइड पे बैठ सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, नाश्ता कर सकते हो, खाना कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे आप आगे आगे जाएंगे फेवा लेक में आपको ढेर सारे बोटिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। वहाँ से आप अलग अलग टाइप की बोट राइड कर सकते हो, आपको खुद से करना है तो भी है, या आप बोट करने के लिए आप किसी को हायर भी कर सकते हो। बट सबसे कॉमन चीज़ जो वहाँ पे लोग एक्सप्लोर करने जाते हैं, वहाँ पे एक मंदिर है जो आपको वहाँ से बोट पकड़ के जानी पड़ती है। केवल 60 रुपया रिटर्न की टिकट है, बोटिंग भी हो जाती है और वो मंदिर एक छोटे से आइलैंड पे है, तो आपको वहाँ पे दर्शन भी हो जाएंगे भगवान के। एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है ये दिन शुरू करने का, और फेवा लेक भी एक्सप्लोर करके आप बहुत ही अच्छी तरह रिलैक्स भी कर सकते हो, क्योंकि फेवा लेक के आसपास आपको बहुत सारी चीज़ें है करने के लिए। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि डे वन जो है आप फेवा लेक के पास ही काटिए और बहुत सारी आराम से चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए और रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक छुट्टी पे हो, हिल स्टेशन जा रहे हो इतनी अच्छा, तो आप वहाँ पे ज़रूर अपने आप के लिए टाइम निकालिए और जस्ट वहाँ की ब्यूटी एन्जॉय कीजिए। डे टू की शुरुआत में आपको थोड़ी सी जल्दी करने कहूँगा, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाओगे ये जगह सनराइज पॉइंट के लिए बहुत फेमस है पोखरा में। ये जगह का नाम है सारंगकोट सनराइज पॉइंट, और वहाँ पे जाने के लिए आपको बाय रोड भी जा सकते हो या केबल कार भी लेके जा सकते हो। बाय रोड से जाना है तो आपको गाड़ी हायर करोगे 4 लोग तो लगभग आपको 1200 रुपये के आसपास पड़ जाता है, और ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, कुछ आधा पौने घंटे में आप वहाँ पर पहुँच जाते हो। उसके अलावा आपको केबल कार राइड लेके जानी है तो आपको वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है जो मैंने पूरे व्लॉग में कवर किया है। इसका रिटर्न टिकट पड़ता है आपको 500 से 600 रुपए के बीच में, और ये एक मस्ट सी अट्रैक्शन है। यहाँ पे सुबह पहाड़ों में जाने का मज़ा ही कुछ और है, और जब आप वहाँ पे सारंगकोट पे सुबह पहुँचोगे तो आपको अन्नपूर्णा माउंटेन्स के जो ब्यूटिफुल व्यूज़ वहाँ पर दिखाई देंगे, क्लाउड्स के ऊपर आप जो पहाड़ पे खड़े रहोगे, इसका कुछ मज़ा और एक्सपीरियंस ही अलग रहता है। तो आप जब जा रहे हो पोखरा में सारंगकोट सनराइज पॉइंट विजिट करने बिल्कुल भी भूलिए मत।
सारंगकोट खत्म करने के बाद आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि वहां पे एक और बहुत यूनिक जगह है वहां पे, जो आपको जाना ही चाहिए और कोई भी हालत पे उसे मिस मत कीजिए। आप वहां से गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर पे जा सकते हो, जो एक बहुत ही अलग सा मंदिर है क्योंकि ये एक गुफा के अंदर बनाया गया है। और गुफा के अंदर जब आप जाओगे तो उसके थोड़े ही आगे आपको एक अंडरग्राउंड वाटरफॉल भी दिखाई देगा। ये अपने आप में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। इसकी एंट्री फीस केवल 50 रुपीज़ इंडियन है, बट ये एक देखने लायक चीज़ है। इसका पूरा व्लॉग मैंने अपने चैनल पर बनाया है, तो इसे चेकआउट करने भूलिए मत। ये था पूरा वीडियो। अगर आपको कम से कम 5 से 6 दिन अगर नेपाल एक्सप्लोर करना है, ये वीडियो में मैंने आपको सारी बेसिक्स बता दी है, पर अभी मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि आपका पूरा 5 से 6 दिन का एवरेज खर्चा क्या आना चाहिए पर पर्सन। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाय रोड नेपाल पहुंचते हो तो आपको 1200-1300 रुपए के ऊपर खर्चा नहीं होगा, और फ्लाइट से जा रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको वन वे जाने का 5 से 6 हज़ार रुपया पड़ जाता है इंडिया में मोस्ट डेस्टिनेशन से। इसके अलावा रहना, खाना पीना, घूमना और ट्रांसपोर्टेशन नेपाल में काफ़ी चीप है, तो आपका दिन का 1000-1200 के ऊपर भी खर्चा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बाय रोड या ट्रेन से जा रहे हो तो ये पूरी ट्रिप आप 5 दिन की 8 से 10 हज़ार में बहुत ही बढ़िया तरीके से भी निपटा सकते हो। फ्लाइट में जा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको कम से कम एक 17-18 हज़ार रुपया टोटल पड़ जाएगा। इसमें 5 दिन 6 दिन आपका पूरा सारा जितना भी एक्टिविटी है सारे मैंने बता दिए हैं। बहुत ही आराम से आप ये बजट में भी कर पाओगे और एक यूनिक एक्सपीरियंस भी ले पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको आपकी नेपाल की ट्रिप प्लान करने में इसमें खास मदद मिली होगी। वीडियो लाइक करने भूलिए मत और ढेर सारा शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले कि नेपाल जाने के लिए प्लानिंग कैसे कर सके। और अगर आप चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तभी तक मिलते हैं जल्द। स्टे सेफ। ट्रैवलिंग बंदा आउट।